यहाँ आकर मतलब क्या अच्छा लगा? यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, ऐसा सौभाग्य सभी को मिले कि यहाँ पर आकर के बापू सभागार में शिव गुरु की कुछ बातें सुन और समझ सके। चर्चा के लिए मैंने यही दीदी भैया कि हम लोग शिव का गुरु मान लिए हैं, है ना, और हम लोग को भी जोड़ना है कि जो नहीं ले ले है उसको बताना है कि शिव का गुरु मान लीजिए और शिव का गुरु बहुत अच्छा चीज है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बापू सभागार के पास। जैसा कि आज यहाँ पर शिव गुरु संगोष्ठी यहाँ पे मनाया गया, तो यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कितने तादाद में लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हुआ था यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में लोगों से ही बताएंगे। जी हाँ, मैं रंजीत कुमार आनंद, थरथरी प्रखंड नालंदा जिला से। हम लोग आए हैं, एक मकसद हम लोग का है कि हम लोग साहब श्री हरिनंदन जी कहे थे, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। मैंने तीनों चीज़ में बोली विचार सब में होना चाहिए, आपस में प्रेम। शिव गुरु से आयागन जीने की कला सिखलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, महादेव का नंदी है, महाभगवती का शेर है, गणेश कार्तिक है, वो प्रेम का प्रतीक, सांप भी गले में महादेव लिए हुए हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मानव आपस में प्रेम कर सकते हो, जो भी है जैसे आप रह सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसी विषय से संगोष्ठी रखा गया था। जी इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी, आप लोग कहाँ, आप पहले अपना नाम बताइए, कहाँ, आपका नाम क्या हुआ? हम गुड़िया गुरुवान बिहार शरीफ से हैं। यहाँ पर बापू सभागार में शिव परिचर्चा की संगोष्ठी था, उसी में हम लोग आए हैं भैया। यहाँ आकर मतलब क्या अच्छा लगा? यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, ऐसा सौभाग्य सभी को मिले कि यहाँ पर आकर के बापू सभागार में शिव गुरु की कुछ बातें सुन और समझ सके। थैंक यू भैया। मतलब सबको यहाँ पे नालंदा जिला से ही आई हैं, आप भी नालंदा से आई हैं? हम बिहार शरीफ से आए, मेरा नाम विनीता देवी है, मैं बिहार शरीफ से आई हूँ। अब मैं शिव गुरु के बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे महादेव हैं और रहेंगे भी, और एक बग्गा रह के शेरने जैसे बनूँ और शिव शिष्य बनाऊँ। चाची आप कहाँ से आई हैं? बिहार से आई हैं बेटा, बिहार से आए हैं, वही संगोष्ठी में आए थे शिव चर्चा के लिए। क्या मतलब शिव चर्चा के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो शिव चर्चा के लिए मैंने यही दीदी भैया कि हम लोग शिव का गुरु मान लिए हैं, है ना, और हम लोग को भी जोड़ना है कि जो नहीं ले ले है उसको बताना है कि शिव का गुरु मान लीजिए और शिव का गुरु बहुत अच्छा चीज़ है। तीन सूत्र करिएगा, सुतने घड़ी उठने घड़ी, इसमें कोई नहीं कि नहा के धो के और दया मांगना है, जो नहीं है रात चलते दया मांगिए, जैसे ही मांगिए मांस खाइए मछली खाइए, इसमें कोई प्रति नहीं है। अच्छा, तो मैं इसके बारे में एक चीज़ जानकारी लेना चाहूँगा और इसके बारे में पूछूंगा कि जो मतलब शिव भक्त जो बनते हैं उनको किस किस चीज़ का मतलब परहेज करना पड़ता है? कोई परहेज नहीं है, कुछ भी नहीं, जो मन है वो मन अथी कीजिए, सिर्फ मन से ही महादेव के गुरु मानना है। मन से ही महादेव महादेव जी जी क्या बोल रही हैं? कुछ बनाना नहीं है, हमें जो आपको मन करे तवन खाते रहिए, नहीं मन करे तो मत खाइए, कोई बढ़ावा नहीं है, कोई बनाने वाली। प्रेम से उनको अपना मतलब गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइए। तो लगभग मान लीजिए अगर ये जो मतलब शिव गुरु को जो मानते हैं उनको शुरुआत में क्या करनी पड़ती है? पहले सूत में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु है, आपको हम शीश है शीश पर दया कर दीजिए। जी जी आप क्या बोल रही हैं? आ गया ये ना, आ गया ये थोड़ा सा जी, क्या क्या कहना चाह रही हैं? नाम के जुड़ाव करना पड़ता है, जैसे आप अपने नाम बताइएगा तो घोषणा मैंने हो जाएगा, और उसके बाद तीन सूत्र बताया जाता है, पहला में दया मांगना और दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। बस जी, तो जैसे कि आप पिछले कितने सालों से आप शिव गुरु से मतलब जुड़ी हुई हैं? हमें जुड़ल है 15 साल से, 15 साल से महादेव का मानने ही अपन गुरु बनेने ही है। गुरु में तो बहुत दयालु छे साहब, बाबा दीदी माँ धन छथिन जो आन के दलखिन तीन सूत्र, वे माध्यम से हमें सारे भाई बहन एक बंधन में बांध दलखिन, एक बंधन पर बैठबै छथिन बिस्तर पर, जाति प्रजाति कोई भेदभाव नहीं है, बुझलिए। महादेव तो बहुत दयालु छथिन, पल पल दया करते हैं, जब हम उनका मन से खाली रिश्ता करते हैं कि अरे शरीर से मिलन करना नहीं है, उनसे मन से मिलन कीजिए, देखिए महादेव को क्या चमत्कार है। दीदी जे मानने छथिन भैया दीदी तो उस तो जानै छथिन जे महादेव में की छन से, तो साहब बाबू दीदी मान तीन सूत्र दलखिन, पहला सूत्र में दया दलखिन, तीसरा दूसरा हम चर्चा दलखिन, तीसरा हम नमः शिवाय प्रणाम करे ला, तो हे शिव गुरु महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, हे महागुरु महादेव आपको दिया हुआ काम हमसे नहीं हो रहा है, आप हम पर दया कीजिए जो आपको काम मैं कर सकूँ गुरुवर, और
दूसरा में कहें एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए, तो अपना मन से कहेंगे हे भाई बहन और हम पर दया किए हैं महादेव, आप पर भी दया करेंगे, आप तो गुरु को मानकर तो देखिए। तो दूसरा में चर्चा हो गया, तीसरा में नमः शिवाय 108 करने के लिए कहें और मन अपना ध्यान देकर महादेव की साम्राज्य में और मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित करके महादेव के यदि मन से रिश्ता लगाते हैं तो 108 बार प्रणाम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से उनके प्रणाम करना है। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पर शिव गुरु गोष्ठी यहाँ पे कार्यक्रम संगोष्ठी यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था बापू सभागार में। यहाँ पे बिहार शरीफ के लोग यहाँ पे आए थे, बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि शिव भक्त के द्वारा यहाँ पे आयोजन हुआ था। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।